स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। करनाल के घोगड़ीपुर के मुनक रोड पर कौड़ी कॉलोनी के सामने एक दर्दनाक हादसा होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली की डंपर के साथ टक्कर होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जब इस दुर्घटना के बाद मृतक व घायलों को अस्पताल में पहुंचाने की कार्रवाई चल रही थी, तो पीछे से एक वरना गाड़ी ने आकर दो मोटरसाइकिल सवार को तेज गति से टक्कर मार दी, जिनको गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। इन दोनों सड़क हादसों में कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। इधर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि घोगड़ीपुर मुनक रोड पर कोड़ी कॉलोनी के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली व डंपर की टक्कर हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह घायलों को अस्पताल में ले जाने के लिए गाड़ी में डाल रहे थे, तो पीछे से तेज गति से आ रही गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी के अनुसार घायलों को फिलहाल अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, परंतु उनकी हालत सीरियस बनी हुई है। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों में इस घटना से गहरा रोष देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने बताया कि सड़क पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आए दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा हो जाता है और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली की डंपर के साथ टक्कर हो जाने के बाद भी कोई एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिस कारण यहां पर डेड बॉडी लगभग 1 घंटे के करीब सड़क पर पड़ी रही। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज गति से वरना गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें यह दूसरा हादसा हो गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भेजकर उनका इलाज किया जा रहा है। बताते चले कि सड़क हादसे से वहां के लोगों में डर का माहौल व्याप्त है और जिला प्रशासन से यहाँ लाइट की व्यवस्था एवं पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। देखने के लिए यहाँ भीड़ काफी इकट्ठा थी, जैसे उसको देख रहे थे पीछे से गाड़ी वाला आया, उसने सीधी टक्कर मारी बिल्कुल आके यहाँ, और मौके पे 2 बंदे थे और डेड हो गए, उससे पहले भी डेड थे और 2 बंदे और डेड हो गए और 4-5 को चोट लगी। एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं आई। एम्बुलेंस को मैंने भी फोन करे, जितने यहाँ खड़े थे सभी ने फोन किया, कोई एम्बुलेंस नहीं आई है। एक एम्बुलेंस अब आई है, सिर्फ अभी जस्ट आई है। इस बात को तकरीबन 1 घंटा सारा हो गया, कोई एम्बुलेंस ने फोन नहीं उठाया ना कोई एम्बुलेंस आई है। कितने लोगों की तकरीबन मौत हो गई है, कितने घायल? 3 की तो डेथ हो गई थी और 3-4 अभी सीरियस है और 3-4 लोगों को वैसे चोट लग रही है। कहाँ पर हादसा हुआ, क्या लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ? यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, ये कौड़ी कॉलोनी की बात है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, जो ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। एक भी लाइट नहीं है यहाँ, लाइट नहीं है जी बिल्कुल भी, ना पे कहीं रेड लाइट है, किसी भी चौक पर रेड लाइट होनी चाहिए जी। पुलिस का थोड़ा यानी कि यहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए रात को जी, PCR की कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं बिल्कुल, यानी कि खाली स्टैंड एम्बुलेंस को देर से आई भाई। एम्बुलेंस किसी व्हीकल ने उसको हिट किया है, जिस वजह से वो पलट गया है। तो मौके पर देखा तो वहाँ एक आदमी एक्सपायर था, एक इंजर्ड था, उनको पहुँचा दिया। जब इस प्रोसेस को कंप्लीट करके वहाँ से चल रहे थे, पब्लिक भी हेल्प कर रही थी, वहाँ खड़े थे, और जैसे ही चलने लगे पीछे से एक वरना काफ़ी तेज रफ्तार आई जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, उससे व्हीकल कंट्रोल नहीं हुआ और उसने वहाँ और भी बाइक वाले 2 बंदे थे और जो हमारी सरकारी गाड़ी थी SHO मोबाइल उसमें भी हिट कर दिया, और 2 बंदे और अभी हॉस्पिटल में पहुंचवाए हैं, देखते हैं। सर दोनों की मौत हो गई है, मौके पर ही दम टूटा हुआ नजर आ रहा था उनका। देखिए हालत उनकी ऐसे ही लग रही है, लेकिन एक बार डॉक्टर साहब से कंफर्म करने के बाद। सर एक लापरवाही लगता है कि एक एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटा डेड बॉडी नहीं उठी, क्रेन अभी तक नहीं आई, इस ट्रैक्टर को साइड में करने के लिए 2 घंटे इस हादसे को हो चुके हैं, अब तीसरे हादसे की इंतजार क्यों कर रहा है प्रशासन? हमने क्रेन बुला ली है, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस में बॉडी को रखने वाले थे उसके बाद ये हादसा हो गया, इसलिए अब इनको पहुंचाना पहले। सर स्वास्थ्य सेवाओं को CMO साहब को लिखेंगे कि 1 घंटा डेड बॉडी पड़ी रही, एम्बुलेंस आती है हाईवे वाली, उसने डेड बॉडी उठाने से पहले मना कर दिया, वो नॉलेज में डाला जाएगा कि बिल्कुल ऐसे मौके पर एकदम। अब भी सर एम्बुलेंस तकरीबन 1/2 घंटा लेट आया, हम अपने कार्यालय में बैठे थे, हमने खबर देखी, हम मौके पर पहुंच गए, हम 20 मिनट से यहाँ लाइव दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस अब आपके सामने आई है, तो लगता है कि ऐसे कैसे चलेगा? अगर इनमें जान होती, इनमें बच्चे होते, सांस तो इनको बचाया जा सकता था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.